पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है यार। हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम टू चैनल। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष सैनिया, फिर से नया दिन और नया का स्वागत है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हुई है हमारी भरमौर से। आज आए हम भोलेनाथ की नगरी भरमौर में। तो पहले सभी को हर हर महादेव, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हर हर महादेव। तो शाम के बज रहे हैं 5। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मणिमहेश यात्रा। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बरवानी मंदिर, उसके बाद 84 टेंपल, और उसके बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हो, तभी आपकी यात्रा जो है वो पूरी हो पाएगी। तो हमने सोचा शाम को बरवानी मंदिर जाके आएंगे, उसके बाद जाएंगे 84 टेंपल, और फिर सुबह करेंगे को शुरू। तो चलो जी चलते हैं बरवानी मंदिर की तरफ। तो चलो जी, पुलिस स्टेशन भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा। लो जी लो, ये है भरमौर। वाह यार, क्या बात है, नाइस जी। ये है 84 टेंपल का गेट, कितना प्यारा लग रहा है यार। तो यहाँ पे कहीं पे बुलेट को करते हैं पार्क, और उसके बाद ना शेयरिंग टैक्सी में चलते हैं यार बरवानी माता। तो दोस्तों यार, 84 टेंपल के मेन गेट के पास ना हमने यहाँ पे कर दिया अपना बुलेट पार्क। अब यहाँ से लेंगे शेयरिंग टैक्सी बरवानी माता के लिए। तो चलो यार चलते हैं, आपको बताता हूँ क्या फेयर वगैरह। पहले टैक्सी ढूंढ लेते हैं और फिर निकलते हैं यार यहाँ से। दोस्तों फाइनली अभी आप पहुंचे हैं बरवानी माता मंदिर भरमौर से। इसका डिस्टेंस है 7 किलोमीटर, और अगर आप ट्रैक करके आना चाहते हो ट्रैक करके भी आ सकते हो। ट्रैक है 3 किलोमीटर का यार। तो यार अगर आप मेरी एडवाइस मानो ना, तो यहाँ पे आप ना शेयरिंग टैक्सी में आओ यार। उसका फेयर है सिर्फ 80 रुपीज़, बिकॉज जो अपनी गाड़ी और टू व्हीलर लाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। रोड बिल्कुल सिंगल है, व्यू बेशक प्यारे हैं यार, लेकिन रोड बिल्कुल सिंगल है तो रिस्क हो जा रहा है यार। मैं साइड में बैठा था, मेरे को डर लग रहा था। तो यार अभी हमने ना स्नान कर लिए, जो पानी है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, नहाते यार ठंड लग पड़ी है यार। मैं हाई नेक अपना साथ लेके आया था, इसको पहन लिया, ठंड से ना बिल्कुल तो राहत मिल रही है यार। जैसा करते हैं चलते दर्शन करते हैं। तो दोस्तों यार, अब बात करते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जाना होता है बरवानी माता, जो कि हम आ चुके हैं यार, क्योंकि भगवान शिव ने माता बरवानी को यह वरदान दिया कि कोई भी भक्त जन मणिमहेश यात्रा के लिए आता है तो उसको सबसे पहले इस मंदिर में आके दर्शन करने पड़ेंगे। तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं यार। तो वैसे यार बरवानी माता सभी भरमौर वालों की कुल देवी है। चलो जी, अब हमने तो दर्शन कर लिए, अब यहाँ से चलते हैं 84 मंदिर की तरफ यार। तो आप दर्शन करके हम हो गए हैं फ्री, तो हम यहाँ पे बैठे ना, हमें पता लगा कि यहाँ पे हिमाचली जाति का प्रोग्राम होगा। तो चलो यहाँ बैठ के इंजॉय करते हैं, आप भी साथ में इंजॉय करो यार आज की शाम, आज की रात भरमौर में। देखते हैं यार कैसी जाती है। दोस्तों फाइनली अभी आप पहुंचे अपने रूम पे, टाइम हो चुका है 10:30। तो पहले हम गए बरवानी माता, उसके बाद 84 मंदिर, वहां पे दर्शन वगैरह किए, और उसके बाद यहां का लोकल प्रोग्राम देखा जिसमें नाटी थी, काफी सही था यार। वहां थोड़े बैठे, आपने वीडियो में देखा होगा, आपको मजा आया होगा। अब सुबह करेंगे अपनी यात्रा शुरू। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे हरसर, तब ऐसा करते हैं चेंज करते हैं कपड़े, फिर सो जाते हैं यार। अब सीधा सुबह मिलते हैं। Approximately 10 hours later. Hello, जी, good morning from भरमौर। तो जी आज की हमारी सुबह हुई है भरमौर से यार। रात को ना काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इस चक्कर में हम सुबह उठने के लिए थोड़ा सा हो गए लेट, ठंड भी हो गई है, हमने जैकेट वगैरह पहन लिए यार। वैसे भी टाइम हो रहा सुबह के 7। तो जी आज हम करने वाले शुरू अपनी यात्रा मणिमहेश के लिए।
मनीमेश की यात्रा शुरू होती है हडसर से, वहां से ट्रैक है यार। तो भरमौर से पहले हमें जाना पड़ेगा हडसर, तो यहां से हडसर का डिस्टेंस है सिर्फ 12 किलोमीटर यार। तो चलो उठाते हैं अपना बुलेट और आपको ले चलते हैं यार हडसर की तरफ। मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा, और सामने हेलीकॉप्टर भी शुरू हो गया, इसका मतलब यात्रा शुरू हो चुकी है। हल्के हल्के बादल जा रहे हैं, ना तो सूर्य देवता जी आ रहे हैं। तो चलो जी अब चलते हैं यहाँ से हडसर की तरफ। तो यार आपको ना यहाँ से हडसर के लिए ना शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, आप उसमें भी जा सकते हो यार। और सामने देखो यार व्यू चेक करो यार, कितना प्यारा है। ऊपर धुंध, इन पहाड़ों पे हल्की हल्की सी धूप पड़ रही है ना बीच में, कितनी सही लग रही है। नीचे कच्चे कच्चे से घर, स्लेटों वाले घर यार, जो आपको सिर्फ यहीं पे पहाड़ों पे देखने को मिलेंगे। वाह, रोड की कंडीशन थोड़ी सी खराब। फाइनली भरमौर से आप पहुंचे हैं हडसर में, और यहां से होती है यात्रा शुरू। मनीमहेश 5 क्लास में से 5वां क्लास है, और क्लास यात्रा का डिस्टेंस है सिर्फ 13 किलोमीटर, तो मतलब जो अपना ट्रैक होने वाला है सिर्फ 13 किलोमीटर का। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, तो चलो यार करते हैं ट्रैक शुरू और आपको ले चलते हैं मनीमहेश की तरफ। हर हर महादेव। यार जो ये वाला ट्रैक है ना, आप तीन वे में कर सकते हो, एक पैदल यात्रा, एक घोड़े से और एक हेलीकॉप्टर से यार। पर मेरी मानो तो पैदल पैदल चलो यार, ऐसा प्यारा सा व्यू, साथ में पानी चल रहा है, साथ में हम चल रहे हैं, जो उसकी साउंड है ना काफी सुकून दे रही है यार, काफी प्यारी साउंड है। इस ट्रैक को बांटा गया 5 भागों में। पहला है खड़ानाला, दूसरा धनचो, तीसरा शिवघराट, चौथा गौरीकुंड और 5वां शिवकुंड यार। इस ट्रैक में चलते हुए ना आपको रास्ते में वाटर रिफिल के पॉइंट मिल जाएंगे, वहां पे आप अपने वाटर रिफिल कर सकते हो। मैंने रिफिल कर लिया है। पूरा घूम घूम के जाना यार, स्ट्रेस लग रहा है मेरे को देख के, काफी ज्यादा चढ़ाई है। तो चलो यार महादेव जी का नाम लेते लेते चढ़ेंगे यार। बड़ा रिस्की हो गया यार, हाँ रात को बारिश हुई, उसमें से ज्यादा हुआ। अब रास्ता भी एक ही है ना, घोड़े जाएंगे हम जाएं। कभी जाम लग रहा है यार, यहाँ काफी ज्यादा क्राउड। यहाँ पे आपको लंगर भी मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे रुक के लंगर करना चाहते हो तो रुक के कर सकते हो। हमने तो रुकना नहीं है, हम ऊपर चलने की ट्राई करेंगे, जितना जल्दी ऊपर पहुँच पाएंगे ना उतना चलेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बड़ा ज़्यादा जाम लग जा रहा है रास्ते में चढ़ते चढ़ते। और तो देखो रात की बारिश की वजह से क्या हुआ यार यहाँ पे। महादेव। तो यार जो मैं ट्रैक है पूरा कुदरत का करिश्मा यार, इतने प्यारे प्यारे से नज़ारे हैं ना, बड़ा ही ब्यूटीफुल ट्रैक है यार। बस बीच बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो साइड का व्यू कुछ ऐसा है। चलो चलते रहेंगे। अब बारिश हो चुकी है काफी ज्यादा तेज, हम यहाँ पे रुके, वेट किया 5-10 मिनट, बारिश नहीं रुकी, फिर हमने अपना पोंचू पहन लिया है और फिर से कर दिया अपना सफर शुरू। फाइनली अभी आप पहुंचे हैं धनचो में, हडसर से इसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अब यहाँ पे रुक के हमने लंच किया, बारिश भी रुक चुकी है, अब यहाँ से चलेंगे हम शिवघराट की तरफ। हमारा अगला पड़ाव है शिवघराट, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 2 किलोमीटर, हडसर से 8 किलोमीटर। चलो जी यार, अब ना हम शिवघराट के काफी क्लोज पहुंचने वाले हैं, हम भी हाइट पे आ गए हैं, जो पानी है ना वो नीचे हो गया, लेकिन पानी का प्रेशर काफी ज्यादा है यार, चारों तरफ धुंधी धुंध होगी है, व्यू एक नंबर हो गया। जो यात्रा है बड़ी प्यारी है यार, हमें तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, आपको भी देखने का मजा आ रहा होगा।
तो दोस्तों यार यहाँ से ना दो रास्ते जाएंगे, एक जाएगा सीधा गौरीकुंड और एक जाएगा शिव घराट से होके। तो हम चलेंगे शिव घराट से होके, पानी के साथ साथ से होके जाना पड़ेगा यार आपको। तो यार ऐसा बोलते रहे, जो शिव घराट है वहाँ मेरा जैसे पुराने जमाने में घराट चलता ना पानी से वैसे साउंड आती है। तो बाकी हिस्ट्री मैं आपको वहाँ पर जाके बताऊँगा। मुझे रास्ता ना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार, साथ साथ चल रहे हैं, क्रॉस नहीं हो पा रहे यार, पानी की साउंड काफ़ी ज़्यादा होगी, पता नहीं मेरी साउंड आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो इस पर क्रॉस करते हैं यार। यार इस पुल पे ना रुकना मना है, जितना जल्दी क्रॉस कर सकते हो कर लो यार, बिकॉज पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है यार, काफी तेज पानी है। और यहाँ का जो पुल है वो भी बह चुका है। अभी थोड़ा सा पानी क्रॉस करके हम चल पड़ेंगे शिव घराट की तरफ। ओ माय गॉड, तो जितने भी यार गिल्ले हो गए यार अब। दोस्तों यार शिव घराट पहुंचते ना बारिश रुक चुकी है, धूप आ चुकी है, पीछे पहाड़ों पे हल्की हल्की धुंध भी आ चुकी है यार। अब बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री की। तो सच्ची में यार ऐसा लग रहा है जैसे पुराने जमाने में पानी से चक्की चलती थी वैसी आवाज आ रही है, ये आप यहीं आके फील कर सकते हो। और लोग यहाँ पे अपना नया अनाज का चढ़ावा भी करते हैं। तो यार अब शिव घराट से अगला पड़ाव है हमारा गौरीकुंड, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 4 किलोमीटर। अब टाइम हो चुका 5:20, कुछ ऐसा वेदर है, धूप आ चुकी है, तो चलो अब हम भी चलते हैं यार ऊपर की तरफ। तो यार यहाँ पे ना आपको ट्रैक करते हुए ना रास्ते में ऐसे टेंट भी मिलेंगे, यहाँ पर क्या रेस्ट कर सकते हो। मेरे को भूख लग बड़ी थी, मैंने मैगी ऑर्डर की है, जब तक मैगी आएगी तब तक रेस्ट करते हैं यार, पीठ ना काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही है। चलो थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, बाहर बारिश भी लगी है और फिर से करेंगे यार अपनी यात्रा शुरू। तो जी अब अंधेरा हो चुका है, धूप भी पड़ चुकी है, अब यहाँ से ना थोड़ी सी मैगी खाई है तो अब एनर्जी आ गई है यार। चलो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी तो ट्राई है कि मणिमहेश तक पहुंच ही जाएंगे यार, और आगे का आपको बताता हूँ। धुंधी धुंधा अंधेरे में पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलो यार यार यहाँ से गौरीकुंड रह चुका 1/2 किलोमीटर और धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गया, अंधेरा भी हो गया, बीच में स्ट्रीट लाइट लगी हैं, लेकिन धीरे धीरे चलना पड़ेगा, सांस भी काफ़ी ज़्यादा फूल रही है। चलो जल्दी से पहुँचते हैं, हर हर महादेव। तो दोस्तों यार अभी आप पहुंचे हैं गौरीकुंड में, टाइम हो चुका है रात के 9 यार, और बारिश काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ना, पूरे गिल्ले हुए थे। यहाँ आके हमने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, अब सुबह चलेंगे मणिमहेश, ऊपर जाके दर्शन वगैरह करेंगे। अब ऐसा करते हैं अपना डिनर आ रहा है, मैगी और चाय वो खाते हैं और सोते हैं, फिर आपको ना सीधा सुबह मिलता हूँ यार। जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गौरीकुंड। तो यार आज की हमारी सुबह हुई है गौरीकुंड से, सुबह का वेदर कुछ ऐसा व्यू है यार, काफ़ी देर से बारिश लगी थी तभी बारिश रुकी, अब टाइम हो चुका है 6:30। अब यहाँ से 1 किलोमीटर है शिवकुंड मणिमहेश, तो चलते हैं और ट्रैक करते हैं यार, और आपको पहुँचाते हैं ऊपर तक और खुद भी दर्शन करते हैं और आपको करवाते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड मणिमहेश, बोले बाबा की कृपा से हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। मेरे पीछे है कैलाश पर्वत, साथ में लगी हल्की हल्की सी बारिश, तो चलो सबसे पहले ना स्नान करते हैं यार। यार सबसे पहले हमने स्नान किया, उसके बाद मंदिर में दर्शन किए और साथ में कैलाश पर्वत के दर्शन किए। रहा मेरे पीछे कैलाश पर्वत, भाई जो यहाँ पे फील है ना वो आप मणिमहेश में आके फील कर सकते हो, अलग ही वाइब है, अलग ही टाइप का सुकून है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया।
दोस्तों यार मेरे को ना यहाँ पे आके ये एहसास हुआ कि बिना महादेव जी की कृपा से यहाँ पे नहीं पहुँच सकते यार। यार महादेव जी की कृपा थी तब हम यहाँ पे पहुँच पाए और कैलाश पर्वत के दर्शन कर पाए। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या अच्छा लगा और क्या लगा। हर हर महादेव।